हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर 7 के एग्जांपल कराऊंगा, 7.1 से लेकर 7.5 तक। तो चलो करते हैं। तो यानी जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल हमारा 7.1 वो कौन सा है देखते हैं हम अभी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, हो ही नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, 7.1 एग्जांपल है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल्स एट द वर्टिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। द मासेस ऑफ द पार्टिकल्स आर 100 ग्राम, 150 ग्राम एंड 200 ग्राम। ठीक है, रेस्पेक्टिवली ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 0.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट हमारे पास, जो कोऑर्डिनेट बनाते हैं पहले, तो ठीक है कोऑर्डिनेट बना दिया हमने ये। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हमारा, यहाँ पे मान लिया जी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कि हमें क्या बताया गया, 100 ग्राम, 150 है और 200 है। ठीक है, उसी जो ट्राइंगल है वो क्या 0.5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, 0.5 मीटर लॉन्ग है, सिंपल सा। तो हम कैसे क्या बनाएंगे, एंड ट्राइंगल बनना है तो यहाँ पे 100 ग्राम, ठीक है 100 ग्राम, यहाँ पे 200, यहाँ पे 150। ठीक है, कुछ ऐसा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से ले जाएंगे हम 200 तक, लेकिन 200 ले जाने के लिए बाद वो नीचे आएगा, सिंपल सा नीचे आएगा, नीचे लाएंगे हम उसको। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। और यानी कि अब 150 ग्राम, 100 ग्राम यहाँ पे है, 150 ग्राम कहाँ करें, 150 ग्राम हम यहाँ कर देते हैं, 200 ग्राम यहाँ कर दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे अब हम यहाँ पे करते हैं इसको। ठीक है, एंड तीन हो गए हमारे, 100, 150 एंड 200 ग्राम। ठीक है, अभी हम इनको यानी फॉर्मूला लगेगा एक्स वाला, ठीक है ध्यान से, इस जो फॉर्मूला लगाएंगे हम कुछ ऐसे लगाएंगे, एक्स इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस तीन पार्टिकल्स हमारे, तो हम तीन बार ले लेते हैं इसको, और अपॉन में क्या है, मास आएगा। ठीक है, इसको ऐसी बात है। ठीक है, तो नहीं अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या होता है हमारा, जो हम इन वैल्यू रखते जाते हैं। ठीक है, अब इन वैल्यू रखते जाएंगे हम, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं, रखेंगे चलो। ठीक है, तो M, मास कितना, 100, X तो कोऑर्डिनेट है वहाँ पे कितना है इसका, जीरो जीरो है, यहाँ पे मैं 0.5, 0.5 मान लेते हैं, अभी 0.25, क्योंकि लेंथ इसने कितनी बताई है, 0.5 बताया ना इसने। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया जीरो। ठीक है, प्लस यहाँ पर दूसरा क्या है हमारा, दूसरा 150 है, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना है, 0.75, 1.75 आ गया, सिंपल। ठीक है, 75 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे करते हैं 0.0, 50, 2.0, 50, यहाँ पे 50 आया। ठीक है, सिंपल से आया 50 आया। ठीक है, सिंपल से है दोस्तों, ये 50 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आया, 300 या 450। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 75 + 50 अपॉन 450। ठीक है, इनको जोड़ते हैं कितना है, 125। इनका ऐसे भाग देना, चलते देते हैं भाग, या फिर यहाँ पे हम काट भी सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम भाग ही दे लेते हैं पहले, अपॉन कितना आया,
0.27x, ये हमारा क्या गया आंसर आ गया, ठीक है, यन मीटर में। सिंपल से हमारा आंसर आ गया। अब हम वाई कोऑर्डिनेट के लिए निकालेंगे, ऐसे ही हम क्या किसके लिए निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट के लिए। अब वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम कैसे क्या निकालेंगे, अब वाई तो हमारा किधर है, इधर की साइड है, वाई तो हमारा इधर ही साइड है, इधर ही साइड, हंड्रेड ग्राउंड की बात है, वाई तो हमारा इधर ही साइड है। तो हम कैसे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट मानेंगे, क्या मानेंगे हम यहाँ पे, हमें पॉइंट मानेंगे, ठीक है। तो जिससे कि हम पता लगा सकें वाई कितना है, यहाँ वाई कितना है जीरो और यहाँ कितना है जीरो, केवल वाई बढ़ रहा है तो कहाँ है, केवल ऊपर ही है, सिंपल सा ऊपर ही है वाई और कहीं नहीं है, ठीक है। सिंपल सा यानी हम क्या लिखता हूँ 0.25। अब कैसे भाई 0.25, क्योंकि अब जब यहाँ 0.25 हो तो यहाँ भी 0.25 होगा, इतनी दूरी, सिंपल सी बात है, बराबर है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0.25 हो गए, ठीक है, 0.25√3 ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सा इसी फॉर्मूले में ऐसा एक फॉर्मूला है उसमें रखना है हमें सिंपल सा, और कुछ नहीं करना, एक्स की जगह वाई आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो 100 मतलब है जीरो, 150 मल्टीप्लाई बाई जीरो, 200 मल्टीप्लाई बाई 0.25√3 ये थोड़ा उधर चला गया, अपॉन 450, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं, ये दोनों टर्म जीरो, अब इसको √3 में सोल्व करते हैं, इसको 3 का रूट, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.25, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 200, कितना 86.60, ठीक है, 450। अब इसको कॉल करना ओनली में 86.62 अपॉन 450, कितना आया 0.192, ये हमारा आंसर आ गया किसमें, मीटर में, ठीक है। तो हमारा पहला किस, पहला क्यों जो है हमारा जो कंप्लीट है, दूसरा करते हैं हम, फाइनल सेंटर ऑफ मास कन टाइम हम ले लेना है इसको, फाइनल यानी सेंटर ऑफ मास निकाल, इस चैप्टर में ओनली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास, इसके बारे में पढ़ेंगे हम ओनली सेंटर ऑफ मास के बारे में, ठीक है। तो देखो कोई भी ट्रायंगुलम, ट्रायंगल पहले बनाते हैं, इसे पूरा ट्रायंगुलम लेमिना, ठीक है, लेमिना कैसे होगा, एक लेमिना खींचेंगे, ठीक है, एक यहाँ से खींचेंगे, एक यहाँ से खींचेंगे, फिर उधर खींचेंगे, पूरा एक रहा, पूरा, ठीक है। तो मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, यहाँ से मैं ट्रायंगल ले लेते हैं, सिंपल सी बात, ये हमारा ट्रायंगल, और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये करेंगे यहाँ से यहाँ, अभी भी सही नहीं, पॉइंट यहाँ पे आएगा इसका, अब सही है, पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया सेंटर ऑफ मास, बस बात सेंटर ऑफ मास हो गया, यही सेंटर कहाँ पे, यहीं पे इसका, तो सेंटर ऑफ मास ही हो गया, ठीक है। आगे वाले किस में पढ़ते हैं, 7.3 7.3 फाइंड द सेंटर ऑफ मास ए यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना ए थिन प्लेट प्लेट विथ डायमेंशन एज शोन, द मास द लेमिना इज 3 kg, लेमिना कितने केजी का बता दिया हमें, 3 kg, ठीक है, 3 kg का बता दिया हमें लेमिना, कैसे क्या निकालेंगे, ठीक, एक एल एल शेप्ड है,
एल शेप है हमारी, इसमें बता दिया हमें, और कितना केजी का, 3 केजी। अब हम एल शेप में लेमिना कैसे बनाएंगे, ये बन गया हमारा एल शेप में लेमिना, ठीक है। तो यहाँ पे इनका सेंटर मास इसका ये हो गया, इसका ये, इसका ये हो गया, ठीक है। इसको मान लेते हम C1 C2 C3 सिंपल सा, ठीक है। और यहाँ पे वृष्टता के बताया गया है, यानी फिगर है 7.11, ठीक है। और नॉन इसमें दिया गया है ये 2 मीटर का है, ठीक है। तो ये 2 मीटर का, तो ये 1 मीटर का हो जाएगा, ये भी 2 मीटर का है, ये 1 मीटर का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ हम कोऑर्डिनेट बना लेते हैं इसको, ठीक है। कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 2, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 0 0, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 2 0, सिंपल सी बात है, ठीक है। 2 मीटर है ऊपर, ऊपर 2 मीटर है पूरा। हम एक्स का वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स का वही फॉर्मूला लगाएंगे जो पहले था, वो लगाएंगे। तो हम वही फॉर्मूला आपको लगाना है सिंपल सा। अगर आप वो फॉर्मूला लगाओगे तो आप दोनों के, इन दोनों के जो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, दोनों सेम आएंगे सिंपल, ठीक है। सेम क्यों आएंगे, क्योंकि इनके दोनों कोऑर्डिनेट ही ऐसे, तो कोऑर्डिनेट हमें मिले हैं वो ही ऐसे, ठीक है। इसलिए इस दोनों क्या होगी, 5.6 मीटर आएंगे, ठीक है। इसी क्या लेते हैं ना, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स ए इज इक्वल टू 3ik-4jk+5kk एंड बी इज इक्वल टू -2ik+jk-3kk। सिंपल सा, अब यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम यहाँ पे इनका, तो कैसे होगा, ठीक है। हम यही देखेंगे डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ए डॉट बी कहाँ करते हैं, ए डॉट बी, ठीक है। ए कितना है, 3ik-4jk+5kk। बी कितना है, -2ik+jk+ याद है -3kk, सिंपल सा हो गया, ठीक है। अब इनको सिंपल सा हम करते रहते हैं, ठीक है। यानी डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, जो जिसकी वो होती है, जिसकी आई कैप या डायमेंशन लगी हुई है, यूनिट लगी हुई है, उससे मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई तो पूरी से होता है, लेकिन वो सारी क्वांटिटी 1 हो जाती है। इसका इससे कितना हो, -6, इसका इससे -4, इसका इससे -15, आया कितना 6×10=25, -25। अब हम करते हैं, हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया, अब हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ए आई के जे के के के, सिंपल है, ठीक है। 3-4 5, ऐसा क्या है, -2 1-3, सिंपल सा बिल्कुल करना है कि आई आई जे के जे के, ये सिंपल सा, ठीक है। जैसे कि हम इन दिनों करें तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों से ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। यानी क्या करना है हमें, इनको ऐसे करना, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, ऐसे करना, ठीक है। तो हम जब इसको करेंगे तो हमारा आएगा 7ik-jk-5k, ठीक है। या हम बी डॉट एम बी मल्टीप्लाई बी क्रॉस ए करें या फिर ए क्रॉस बी करें, लेकिन अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो सिंपल से ये माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे उसमें, ये प्लस ए प्लस, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं जो हमारा है 7.5। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। फाइंड द टॉर्क ऑन ऑफ ए फोर्स 7ik+3jk-5kk अबाउट द ओरिजिन, द फोर्सेस एक्टेड ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज ik-jk+kk। तो सिंपल सा अगर हम करें तो इन टॉर्क को निकालेंगे फोर्स, ठीक है। फोर्स निकालेंगे तो हम, यानी फोर्स निकालेंगे तो फोर्स तो हो गया यहाँ ये, और जो पोजिशन हो गई आर मान लेते हैं, पोजिशन को आर ही मानते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट को, और ये हो गया फोर्स,
हमें सिंपल से क्या करना है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क निकालेंगे तो क्या होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होगा तो एफ अभी मैंने करवाया था जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है, बहुत ईजी करना है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।